हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूँ। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूँ। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूँ। मैंने बार बार मरकजी सरकार से अपील किया है, जो इंजीनियर रशीद अभी बंद है तो उसको पूरी तौर रहा कर दो, कि उन्होंने भी झंडा उठाया हिंदुस्तान का। जो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले उनको जेल में डाल दे। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूँ। मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आपके माध्यम से, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया से, उनको पूरी तौर नहीं है, वो तो चाइना ही नहीं है, वो तो हिंदुस्तानी है, उनको पूरी तौर रहा करो। तो आपकी अपील रहेगी सरकार से? मेरा ये अपील है सरकार से और खास और होम मिनिस्टर इंडिया से, कि पूरी तौर इंजीनियर रशीद को रहा कर दो। वो भी यहाँ जम्मू कश्मीर के रहने वाला, उन्होंने भी हिंदुस्तान का झंडा उठाया, आज वो जेल में है, ये शर्म की बात है। रूप साहब यहाँ क्या रह गया? ये तो तानाशाही सरकार है। यहाँ तो सब तबके के, चाहे ट्रांसपोर्ट वाले है, बिजनेसमैन है, छापरी फरोश है, हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं, चाहे मुलाजिम है, हर तबके के लोग सफर कर रहे हैं। जब भाजपा सरकार भारत में आ गई, तब से जम्मू कश्मीर पीछे जा रहा है, आगे नहीं जा रहा है। हर तबके के लोगों के दिल में आज टेंशन है, बेचैनी है, बेकरार है। इंशाल्लाह अल्लाह ताला से हम फरियाद करेंगे, अल्लाह ताला सुनता है। खुदा के घर में देर है, अंधेर नहीं है। इंशाल्लाह इंशाल्लाह उनको मैं कलमा पढ़ाऊंगा। बबर शेर कभी पीछे नहीं हटेंगे। बबर शेर जब घर से निकलता है, गीदर भाग जाते हैं। न शेर किसी को डरता है, न शेर किसी को झुकता है। न जयशी नाम पढ़ेंगे, न सूर्य नमस्कार करेंगे। अल्लाह ताला के बदन जो भी शख्स मुसलमानों के खिलाफ दीन पर बात करेंगे, उनको मैं कलमा पढ़ाऊंगा। चाहे हिंदू हो, मुस्लिम हो, या सिख हो, कोई भी जिना रशीद अभी बंद है उसको पूरी तौर रहा कर दो, कि उन्होंने भी झंडा उठाया हिंदुस्तान का। जो हिंदुस्तान का झंडा उठाने वाले उनको जेल में डाल दे। हम भारत से मोहब्बत करते हैं, प्यार करते हैं। जो हमारी भारत चलाने वाले उनसे मैं नफरत करता हूं। हमारे जम्मू कश्मीर में वो भी घर है जिनके पास 5-5, 6-6 लड़कियां हैं, जिनके पास कोई सुहारा नहीं है, वो कहाँ से लाएंगे? मुझे लग रहा है सरकार की यही साजिश चल रही है कि जम्मू कश्मीर के बच्चे अनपढ़ रहेंगे, मगर बबर शेर ये कभी बर्दाश्त नहीं। रोडों की हालत देखो, ये तो हमारा डिजिटल इंडिया है, ये हमारा पीछे इंडिया हो गया, डिजिटल इंडिया नहीं है।